अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हर स्त्री के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है माँ बनना, और वो माँ आप बनने वाली है। सो इस गर्भावस्था को किस तरह से एंजॉय करना है, कौन सी गलतियाँ हमने नहीं करनी है, और कौन सी वो 28 टिप्स है जो आपने जाननी ही चाहिए। सो अभी बहुत ही फटाफट 28 टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ जो आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए एक भी टिप को आपको मिस नहीं करना है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिए, और हर टिप को आपको इस प्रेगनेंसी के दौरान अपनाना है। इसको थोड़ा नोट डाउन भी कीजिए, और हाँ, कौन सी टिप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आपको लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड, गर्भावस्था से रिलेटेड, आपके बच्चे से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हमने डाले हैं जो आपके लिए, आपके गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। पहली टिप है, डू रेगुलर एक्सरसाइज। जी हाँ, आपको आज से ही एक्सरसाइज चालू करना बहुत ज़रूरी है। कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज आपने अवॉइड करनी चाहिए, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी पूछ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए है, एजुकेट योरसेल्फ। अगर आप पहली बार माँ बन रही है तो आपको खुद को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस अवस्था को इसके पहले आपने कभी भी अनुभव नहीं किया है, और इसलिए इस अवस्था के बारे में समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। आपका मूड चेंज हो सकता है, आपके शरीर में भी काफ़ी बदलाव होते हैं, और इसीलिए खुद को ट्रेन करना, खुद को समझाना, खुद को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आप गर्भ संस्कार भी सीख सकते हैं, गर्भ संस्कार के बारे में भी जान सकते हैं। गर्भ संस्कार एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें आज से लेके डिलीवरी तक के आपने क्या क्या करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज आपने करना चाहिए, आपने क्या नहीं करना चाहिए, खान पान में आपने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तथा अपने गर्भस्थ शिशु को किस तरह से आपने तेजस्वी, बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न बनाना है, इन सभी बातों को आप सीखते हैं गर्भ संस्कार के अंदर। आप संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आप ये ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिससे आप मनचाही संतान पा सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, नीचे मैंने लिंक दी है, उस पर आप क्लिक कीजिए, संजीवन गर्भ संस्कार का ऐप डाउनलोड कीजिए। आप हमारे टीम के साथ भी बात कर सकते हैं, नंबर मैंने नीचे दिया है। तीसरी महत्वपूर्ण टिप है, ट्रैक योर वेट गेन। जी हाँ, प्रेगनेंसी में आपका वेट किस तरह से बढ़ रहा है उसको ट्रैक करना भी ज़रूरी है। उसको नोट डाउन कीजिए, लिख के रखिए, ताकि जब आप आपके डॉक्टर के पास जाए उन्हें भी ये सब बातें आप बता सके। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, गेट कंफर्टेबल शूज़। जी हाँ, अगर आप हाई हील सैंडल पहनते हैं और प्रेगनेंसी में भी इसी शूज़ या सैंडल को आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके लिए, आपके गर्भस्थ शिशु के लिए तकलीफ देह हो सकता है। इसीलिए आपको कंफर्टेबल शूज़ ही पहनने चाहिए। पांचवी महत्वपूर्ण टिप है, ईट कैल्शियम रिच फूड। जिसमें ज़्यादा कैल्शियम है ऐसी चीज़ों को आपको खाना है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो संजीवन गर्भ संस्कार के इसी चैनल के ऊपर है, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। सिक्स नंबर की टिप है, ईट मोर फिश। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप फिश खा सकते हैं, ये सेफ है, लेकिन आपको हाई मर्क्यूरी वाली फिश नहीं खानी चाहिए। सेवन्थ नंबर की टिप है, ईट फोलेट रिच फूड। जी हाँ, जैसे ऑरेंजेस है या फोर्टिफाइड सीरियल्स है, इस तरह का फूड आप ले सकते हैं। एट्थ नंबर की टिप है, ईट फूड विथ फाइबर्स। जिसमें ज़्यादा फाइबर्स है ऐसे चीज़ों को ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, ताकि आपको कंस्टिपेशन की शिकायत ना हो, आपका पेट साफ हो, आपके गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी प्रेशर ना बने। नाइन्थ नंबर की टिप है, आपको 4 से 5 बार दिन में खाना खाना है, उसको बैलेंस करके खाना है, बैलेंस फूड आपने लेना चाहिए। लेकिन 10th नंबर की टिप याद रखिए, ओवर ईटिंग भी नहीं करना है। आपको आपके शरीर को 300 से 500 कैलोरीज एडिशनल आपको लेना है, और इसीलिए आपका मील दिन में 4 से 5 बार अगर रहता है तो ये आपके लिए, आपके शिशु के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आपने गर्भावस्था में डाइट चार्ट के बारे में समझना चाहिए, जो आप सीखेंगे संजीवन गर्भ संस्कार के ऑनलाइन वर्कशॉप में। 11th नंबर की टिप है, आपको लिमिट करना है कैफीन को।
ट्वेल्थ नंबर की टिप है, आपको पानी भरपूर पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। थर्टींथ नंबर की टिप है, डोंट ड्रिंक अल्कोहल और डोंट स्मोक। अगर आप स्मोक करते हैं तो वो भी आपको बंद करना है। साथ ही आपको एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है, अगर आप पैसिव स्मोकर है, आपके घर में आपके आसपास कोई स्मोकिंग करता है, उन लोगों से भी आपको दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। 14 नंबर की आपके लिए टिप है, वियर सनस्क्रीन। अगर आप धूप में निकलते हैं तो सनस्क्रीन लोशन का आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी त्वचा को आपको बचाना है। 15 नंबर की टिप है, अवॉइड एयर ट्रैवल इफ़ पॉसिबल अर्ली एंड लेट प्रेगनेंसीज। शुरुआत के दिनों में और आखिरी दिनों में आपको अवॉइड करना है एयर ट्रैवल। 16 नंबर की टिप है, गेट इनफ स्लीप। जी हाँ, नींद बहुत ज़रूरी होती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके शरीर की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती है, इसीलिए आपको अच्छे से नींद ज़रूर लेनी है। 17 नंबर की टिप है, वियर योर सीट बेल्ट। अगर आप कार में ट्रैवल करते हैं तो आपको सीट बेल्ट यूज़ करना ही चाहिए। 18 नंबर की बहुत 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 महत्वपूर्ण टिप है, डोंट टेक ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। आप खुद अगर जाके मेडिसिन लेते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की दवाई अगर आप लेते हैं विदाउट मेडिकल एडवाइस, तो आपने वो नहीं लेनी चाहिए। 19 नंबर की टिप है, आपके डेंटिस्ट को आपको दिखाना चाहिए अगर आपको दांत की कोई समस्या है, क्योंकि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको तकलीफ होती है, दांतों में दर्द होता है, उस वक्त आप पेन किलर की दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं, इसीलिए अगर आपकी कोई समस्या है तो आपको तुरंत डेंटिस्ट को दिखा देना चाहिए। टिप नंबर 20, आपके गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह आपको टाइम टू टाइम लेना बहुत अनिवार्य होता है, और ख़ास करके आपने कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ये सलाह आपने उनसे ज़रूर लेनी चाहिए। टिप नंबर 21, टेक अ प्रेगनेंसी क्लास। जी हाँ, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है, आप संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप कर सकते हैं, यह आपके लिए, आपके गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। टिप नंबर 22, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। जी हाँ, रिलैक्सेशन टेक्निक आपने सीखनी ही चाहिए, जैसे योगा है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है, डीप ब्रीदिंग है, मसाज है, इन सभी चीज़ों को अगर आप सीखते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होने में इसमें बहुत मदद मिलती है। साथ ही आप अपने गर्भस्थ शिशु के साथ बात करना भी सीख सकती है। इन सभी बातों को आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी संजीवन गर्भ संस्कार के ऑनलाइन वर्कशॉप में सीख सकते हैं, इसके लिए आप कॉल तथा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 23 नंबर की टिप आपके लिए है, आप खुद के मन से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप किसी डॉक्टर की सलाह से ही आपने एक्सरसाइज करना चाहिए। 24 नंबर की बहुत ही महत्वपूर्ण टिप आपके लिए है, आपको खुद के फोटोग्राफ्स निकाल के रखना है। आपके प्रेगनेंसी के हर महीने के फोटोग्राफ्स अगर आपके पास रहते हैं तो ये बहुत ही आनंददायी एक्सपीरियंस आपके लिए रह सकता है। टिप नंबर 25, आपको ओवर स्ट्रेच खुद को नहीं करना है। अगर आप कोई काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो इसके बीच में भी आपने नैप लेनी चाहिए, थोड़ा रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। टिप नंबर 26 है, हैव अ फिल्म एंड कैमरा रेडी। जी हाँ, कैमरा रेडी रखिए, आपका बेबी जैसे ही इस दुनिया में आए सबसे पहले उसका फ़ोटो आप खींच सकते हैं, ये आपके लिए एक यादगार मोमेंट रहेगी। 27 नंबर की टिप है, डोंट टेक स्ट्रेस। जी हाँ, तान तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, इससे आपको दूर रहना है, क्योंकि याद रखिए इन सभी बातों का आपके गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है, इसीलिए अगर आपको कोई भी स्ट्रेस, तान तनाव है तो उसको थोड़ा दूर रखिए, इसके बारे में आप सीख सकते हैं। आखिरी बट सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, डोंट कंसिडर योर सेल्फ एज अ पेशेंट। जी हाँ, खुद को पेशेंट नहीं समझना है। गर्भावस्था ये बहुत ही खुशी की अवस्था है, आनंद की अवस्था है, ये कोई भी पेशेंट की अवस्था नहीं है। सो आप जब भी हॉस्पिटल में जाए, हंसते हुए जाए, मुस्कुराते हुए जाए। तो आशा करता हूँ ये सभी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसमें से कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करके बताइए। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।